चलो तो घुस के निकलते हैं सीधे उधर। पाकिस्तान पहुंच जाएगा ना, कहां से आया, नीचे नीचे आया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, देख सकते हो जैसे रनिंग करके आया तो इधर बिल्कुल आ चुका हूँ डैम फाटक में। सामने में देख सकते हो यूनिकॉर्न का घोड़ा है वहाँ पे, काफ़ी दिनों के बाद आया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पसीने भी काफ़ी आए, अच्छा लग रहा है। हर पूरा लोकेशन कुछ ऐसा देख रहे हो, सारा दोस्त लोग बोला था ना मॉर्निंग शाम में ही बात किए थे हम कि साथ में दौड़ते हुए आएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, फाटक तरफ चले गए हैं। मैं मेन गेट तरफ आया हुआ हूँ जिधर रिसोर्ट साइड है, देख सकते हो यहाँ पे। अब मुझे जाना पड़ेगा आगे में, फाटक है ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। टैक्सी देखते हैं पहुँच पाते हैं, इधर रास्ता होगा ना तो इधर ही चढ़ेंगे। इधर से सारा लॉक हो रखा है, इधर भी पार्किंग एरिया है, कुछ दुकानें हैं अंदर पर। खैर जाने का मौका मिलेगा तो जाके दिखाएंगे इसमें लॉकडाउन में क्या चल रहा है यहाँ पर। तुम्हें फिलहाल तो चलते हैं डैम के डैम पर ऊपर में। काफ़ी लोग ऐसे दौड़ने के लिए आए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, काफ़ी लोग जागरूक भी हो गए हैं इधर। फिट इंडिया जब से शुरू हुआ है तब से और इस लॉकडाउन में तो फिट रहना ज़रूरी है, नहीं रहने पर इम्यूनिटी पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ काम कीजिए, हार्ड वर्क या फिर रनिंग कीजिए ताकि आपको रिलैक्स महसूस हो, फील अच्छा हो और शरीर के लिए भी अच्छा हो, अपने अपने के लिए भी बहुत अच्छा। खैर फ़ोन आ गया संडे का, देखो फ़ोन आ गया संडे सुबह सुबह ना, मेरा चेहरा का थोड़ा क्या बोलते हैं हाव भाव थोड़ा बदल जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि कितना बड़ा रोआ वाला आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल हूँ। खैर दोस्त लोग अभी फ़ोन आया था जस्ट, तो सीधे जाते हैं गेट के पास जो फाटक है वहाँ पे, उसके बाद उन लोगों से मिलाता हूँ। मतलब छुट्टी आने के बाद उन लोगों से तीसरे या चौथे दिन में मिल रहा हूँ, तो छुट्टियापंती तो होगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं यहाँ से जा सकते हैं। तो ये है शॉर्टकट, यहाँ से घुसने के बाद सीधे ऐसे चले आओ। यार पता तू वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते बना देते हैं यार। चलो चलते हैं ऊपर फिर आप लोगों को दिखाते हैं सीधे फाटक में। ये यहाँ से पूरा वहाँ तक पार्किंग लॉट है, बट अभी सूना पड़ा है, ये देख रहे हो। देख सकते हो पूरा कितना बिल्कुल शांत, गेट के पास फोटो ले रहे हैं दोस्त लोग। मैं उस छोर में था ना, इस छोर में आ चुका हूँ जहाँ पर सामने में गेट है, यहीं पे दोस्त लोग बुलाए हैं, तो चलते हैं चुतिया पगड़ी शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ से 100 मीटर का स्प्रिंट लेता हूँ फिर आप लोगों से मिलाता हूँ। न्यू मार्केट से यहाँ तक हमेशा रनिंग करता था, आज फर्स्ट टाइम में ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि थोड़ा हैवी रनिंग हो गई लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, चलो चलते हैं। ओके, इसमें पहुँच चुका हूँ फाटक में, और फाटक भी यही फाटक है सामने में, कभी हमेशा आया करते थे योगा के लिए। मतलब लाइफ मेरा इस स्टेडियम में गुजरा है बचपन से लेकर अभी तक, बचपन से नहीं जब मैं शिफ्ट हुआ था पदरातू तब से। आगे मैं दिखाता हूँ दोस्त लोग कहाँ बैठे हैं।
मंदिर के सामने में सीढ़ी दिखाई दे रहा है। हाथ साइड हिला रहा है दोस्त। दौड़ते तो बिल्कुल एकदम पसीना निकल गया मेरे, कोने में छो रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे बुलाने का रीजन एक ये है, वो शूट करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए आए हैं। सेम जैसे वैसे ही लाइक, चलो पहले दोस्तों से मिलाता हूँ। क्या बोलता है पब्लिक? क्या भाई, कितना दिन बाद मिला? ये तो कल ही मिल चुके हो गए इसे, तो यहीं पे इंतजार कर रहे थे। हाँ, और हमें संदीप कुमार, राम राम, का हाल चाल। सबसे मिल चुके हो गए, एक दो तीन ब्लॉग में से सारे थे, तो बुलाया किस लिए हमको यहाँ पे? ये फोटो देख रहा है साला, तुम ही लोग। मेरा फोटो कहाँ है? और लेने वाला तो मैं ही था शायद। नहीं दीपा, ये नीतीश का था। ये फोटो जो है इसी एंगल पे लेना। आई थिंक ये फोटो है 10 साल पुराना, 10 साल पुराना है, और इसी स्टाइल में फोटो लेना है। देखते हैं, चलो। ओके, तो ये था स्पॉट पॉइंट, यहाँ पे हमने फोटो शूट कर लिया है। वो मेरा इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा। इधर से चलो ना, खा दो है बे। ये है शिशु विद्या मंदिर स्कूल, यहाँ बचपन में पढ़े हैं। और ये इसका बचपन इसी स्कूल में बिता है। तो कितना से कितना क्लास में था? 7 तक पढ़े यहाँ पर। कुछ ताजा यादें? वहाँ एक चापा कल हुआ करता था, जो अब नहीं है वहाँ पर। अंदर में साइड जाओगे तो इस साइड में बच्चों का है, इधर सर इंटर है। इंटर तक हो गया ना? है इंटर तक हो गया। हम लोग के टाइम पे तो 10 क्लास तक था। छठी पूजा होता था, या तो क्या बोलते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त। छठी पूजा का बहुत याद है। तब यहाँ 15 प्रोग्राम देखने आया करते थे। अरे राम रे राम। और अभी साइड में ग्राउंड था, संदीप छोड़ दे। ये ग्राउंड में कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी चीज होता है, जिंदगी का पहला खेल हम ये खेले। आज इस ग्राउंड का हालत देखिए, यहाँ पाइपलाइन नहीं लग रहा है। इस साइड भी और ये साइड भी, एक साइड में अपार्टमेंट या एनटीपीसी का क्वार्टर बन रहे हैं, वहाँ पे ले जा रहा है। नहीं गिरेगा भाई, छोड़ दे। हाँ गिरा। नहीं गिरेगा बे। मेरा फील्ड है। मेरा फील्ड गया था लाभ पूरा। नीचे से कोड़ के ले गया, देखो ना। चलो तो घुस के निकलते हैं सीधे उधर। पाकिस्तान पहुंच जाएगा ना, कहां से आया? नीचे आया। अरे आगे बंद कर, दो टेररिस्ट घुस आया साला। कसम हनुमान जी की, अंदर संदीप सुभाष और उसके मेन रोड में ही छोड़ दिया था, उसके बाद हम अपने घर तरफ आ गए हैं।